अब एक खबर पड़ोस से, नेपाल की संविधान सभा में सांसदों के बीच मारपीट हो गई। हालात इतने बिगड़े कि मार्शल की मदद से प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों को संसद से बाहर निकाला जा सका। उत्तर प्रदेश विधानसभा की आत्मा मानो नेपाल की संविधान सभा में पहुंच गई। सोमवार की आधी रात को नेपाली संसद में सांसद एक दूसरे से भिड़ गए। कुर्सी मेज उछालते, तोड़ फोड़ की। इतने पर मन नहीं भरा तो हाथापाई भी कर ली। सोमवार को सदन में स्पीकर सुभाष नेमवांग प्रश्नावली समिति का प्रस्ताव पेश कर रहे थे, जिसे रोकने के लिए माओवादी पार्टी के सांसद हंगामा करने लगे। जल्द ही हंगामे ने हिंसक रूप ले लिया। माओवादी सांसदों के निशाने पर स्पीकर के अलावा सत्ता पक्ष के सांसद मंत्री भी थे। जैसे तैसे प्रधानमंत्री सुशील कुमार कोइराला समेत तमाम मंत्रियों को सुरक्षा कर्मियों ने बाहर निकाला। नेपाल की सबसे बड़ी पंचायत में मचे हंगामे ने उस संवैधानिक गरिमा को तोड़ा है, जिसके लिए नेपाल के सबसे बड़े नेता बीपी कोइराला ने अरसे तक संघर्ष किया था। आज तक ब्यूरो।